हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सूर्यकांत टेक्निकल गुरु में। आज हमारे पास होंडा कंपनी की डियो गाड़ी है। उस गाड़ी का कार्बोरेटर किस तरह से सेट करना है वो हम आपको आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं। क्या होता है, गाड़ी कभी कभी झटके मारती है, गाड़ी पिकअप नहीं पड़ती, गाड़ी सेल्फ वन सेल्फ में स्टार्ट नहीं होती या हमारी गाड़ी एवरेज कम देती है, तो इसलिए हमको जो है कार्बोरेटर सेट करना पड़ता है। तो कार्बोरेटर क्लीनिंग वाला वीडियो हमने इससे पहले महिंद्रा ड्यूरो का हमने अपलोड कर दिया, उसी तरह से इसका भी कार्बोरेटर क्लीनिंग कर सकते हो आप। तो हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इसका कार्बोरेटर किस तरह से सेटिंग करना है वो हम आपको आज की वीडियो में दिखाने वाले। तो आते हैं कार्बोरेटर के पास में। तो देखो, यहाँ से ओपन कर दिए हम लोगों ने, बट यहाँ पे इस तरह से दो होल रहते हैं। एक एयर फिल्टर का स्क्रू ओपन करने वाला यहाँ पे होल है, और यहाँ से कार्बोरेटर एडजस्ट करने के लिए एक होल बनाया हुआ। उसके लिए हमको इस तरीके का एक थोड़ा सा लॉन्ग वाला जो थोड़ा सा लंबा टाइप का जो स्क्रू ड्राइवर रहेगा वो हमको लगेगा, ताकि जो कार्बोरेटर तक की यहाँ तक पहुँच सके। तो यहाँ से हम एंटर करेंगे, तो यहाँ से इस तरह के ये यहाँ तक एंटर कर सके। तो हम अभी आपको बताएंगे किस तरह से इसका कार्बोरेटर एडजस्ट करना है। तो हम अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो आओ इधर, तो जो स्क्रू है, ये जो स्क्रू है हम इसको थोड़ा फुल टाइट कर लेते हैं, ताकि गाड़ी बंद ना पड़े और हम एवरेज सेट कर सकें। ये जो स्क्रू है, जो स्प्रिंग लगा हुआ है, उसको हम टाइट कर देंगे। ये वाला स्क्रू जो है उसको हम टाइट कर देंगे। तो गाड़ी जब फुल रेस होगी उस वक्त हम ये स्क्रू को छोड़ देंगे। मिनिमम इसके एक या डेढ़ चूड़ी में इसका जो रेस है फुल हो जाती है। हम इसको अभी एंटी क्लॉक वाइज ओपन करेंगे। अभी हमने इसको टाइट कर दिए एयर स्क्रू को, हम इसको ओपन करेंगे इस तरह से धीरे धीरे। जब गाड़ी की फुल रेस हो जाएगी वो उस वक्त हम इसको छोड़ देंगे। अभी गाड़ी की रेस कम हो गई है। जब गाड़ी की रेस फुल होगी उस वक्त हमको इसको छोड़ना है। हमने इसको ज़्यादा ओपन कर दिया, अब इसको हम टाइट करेंगे थोड़ी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फुल टाइट कर देते हैं, और इसका जब हाई स्पीड रहेगा उस वक्त हम इसको छोड़ देंगे। अभी हम ये स्क्रू जो है आइडल स्क्रू जो है सेट करने वाला वो उसको हम एडजस्ट करेंगे। अभी इसको रिलीज कर देंगे। और इसको इस तरह से सेट करना है कि गाड़ी बंद नहीं करना चाहिए, गाड़ी आइडल स्पीड में रहना चाहिए। यानी गाड़ी में जब लोड नहीं रहता उस कंडीशन को हम कहते हैं आइडल स्पीड। यानी गाड़ी खड़ी कंडीशन में जो रहेगी उस वक्त गाड़ी पे किसी भी प्रकार का लोड नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में गाड़ी जो है आइडल कंडीशन में रहेगी। हम एक्सीलेटर पे लोड नहीं देंगे किसी भी प्रकार का, तो बस गाड़ी स्टार्ट रहना चाहिए। तो इस तरह से हम जो है कार्बोरेटर सेट कर सकते हैं। फिर से एक बार प्रोसेस हम रिपीट कर देते हैं। ये स्क्रू को हमने टाइट किए, उसके बाद में ये जो एयर स्क्रू है इसको भी हमने टाइट किए, और उसके बाद में हमने जो एयर स्क्रू है उसको एंटी क्लॉकवाइज एक या डेढ़ चूड़ी हमने इसको ओपन किए, ताकि गाड़ी फुल रेस हो जाए। फुल रेस होने के बाद हमने जो आइडल स्क्रू है जो हम सेट करते हैं, तो उसको हमने रिलीज़ किए जब तक कि गाड़ी बंद ना पड़े। बस गाड़ी बंद नहीं करना चाहिए, अब इस कंडीशन में हमको सेट करना है। अब हम आपको गाड़ी का सेल्फ वर्क करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी गाड़ी हम स्टार्ट करके देखते हैं। तो इस तरह से गाड़ी जो है स्टार्ट होना चाहिए, जल्दी से स्टार्टअप लेना होना चाहिए। तो इस तरह से आप भी कार्बोरेटर, गाड़ी का कार्बोरेटर सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में लिखे, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।